डबल इंजन वाले डर गए, चुनावी वादे से मुकर गए, कुर्सी की लोभ में मर गए और गिरने की हर हद से गुजर गए। इस सरकार का ये हाल है। भारत के इतिहास में इतना दिशाहीन बजट कभी नहीं आया। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ अधिष्ठाता महोदय, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ कुर्सी बचाना है, और इस बजट ने देश हित में कोई ऐसा काम नहीं किया है, ऐसा कोई ऐसा काम नहीं बताया, ऐसी कोई एक ऐसी दिशा नहीं बताई जिससे देश आगे बढ़ सके। ये अपनी नीतियों और कार्यक्रमों का नहीं, ये खाली अपने जो सरकार के सहयोगी हैं उनके कहने पर, उनको बचाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने का बजट है। इस बजट से खाली अपने जो मित्रों को फ़ायदा करने का बजट है। मैं कहना चाहता हूँ, इस बजट ने शिक्षा के क्षेत्र में जो पैसा कम किया है ये दुखदायी है, पीड़ादायक है। मात्र 2.5% GDP का आप शिक्षा को दे रहे हैं, जबकि अगर आप देखें तो चाइना 5% दे रहा है। चाइना में 56,600 करोड़ रुपया शिक्षा पर खर्च किया जाता है और भारत में 1440 करोड़ रुपया शिक्षा पर खर्च किया जाता है। फर्क तो 1% का है, लेकिन 1% का फर्क 40,000 करोड़ का फर्क लाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, आप शिक्षा को ख़त्म करके इस देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। मैं एक लाइन से इस बात में आप लोगों के बीच कहना चाहूँगा, इल्म बढ़ाता है उसको कोई घटा सकता नहीं, ये वो दौलत है कोई चुरा सकता नहीं। अगर आप अपने जो है नौजवानों को, अपने क्षेत्र के, अपने देशवासियों को अगर शिक्षा अच्छी देते, अगर शिक्षा का बजट 6% GDP पर ले जाते तो कहीं ना कहीं ये देश आगे बढ़ता, लेकिन इस सरकार ने इसको कम करने का काम किया है। इसका फोकस शिक्षा नहीं है, इसका फोकस स्वास्थ्य नहीं है। स्वास्थ्य का ये हाल है कि अगर आप प्रयागराज में बीमार हो जाएं तो कोई अस्पताल नहीं मिलता है। पूरे देश में आप एम्स बनाने की बात करते हैं, लेकिन प्रयागराज को एम्स देने की बात आप नहीं करते। प्रयागराज के साथ पूरे उत्तर प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। उत्तर प्रदेश को विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए था। बुंदेलखंड का क्षेत्र हो, पूर्वांचल का इलाका हो, जो पूरे देश में सबसे पिछड़ा हुआ है, अगर आप लोगों ने वहाँ पर अगर विशेष पैकेज दिया होता तो आज आपकी ये दशा नहीं होती। पूरा बुंदेलखंड हारने का काम किया, पूरा पूर्वांचल हारने का काम किया। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, साथियों, सुनने का भी मादा रखिए। हम चीन से मुकाबला करने की बात करते हैं, एजुकेशन पर खर्च लगातार कम होता जा रहा है। ऐसी दशा में मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहूँगा, सरकार आम आदमी का दर्द नहीं समझती, आम आदमी की शिक्षा और विकास पर ध्यान नहीं देती। ये चाहे जितनी कोशिश कर ले अपनी कुर्सी बचाने की, जनता की जब आह निकलती है तो बड़ी बड़ी हुकूमतों को हिला देती है। आपको समझना चाहिए, जनता की आज आह निकल रही है। आज मध्यम वर्ग करा रहा है, जिस तरीके से इंडेक्सेशन कॉस्ट आप लगा रहे हैं, इंडेक्सेशन आप खत्म कर रहे हैं, आपने लगा कर जो है ख़त्म किया पिछले रास्ते से। आप इनहेरिटेंस टैक्स लाने का ये जो आप प्रयास कर रहे हैं, ये मध्यम वर्ग इस चीज़ को समझता है। आज मध्यम वर्ग परेशान किससे है? इन्फ्लेशन से परेशान है, नौकरी न मिलने से परेशान है, उसके बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं उससे परेशान है। आज किसान किस चीज़ से परेशान है? जो लीगल गारंटी नहीं दे रहे हैं आप MSP की, इससे किसान परेशान है। लेकिन ये सरकार इस बात का दर्द समझने को तैयार नहीं है। मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, जहाँ से मैं आता हूँ प्रयागराज की धरती से, वहाँ पर नैनी इंडस्ट्रियल एरिया है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जब बने तो उन्होंने कहा था कि इंडस्ट्रियल एरिया को रिवाइव करने का काम करेंगे। 2014 से 24 आ गया, एक भी इंडस्ट्री को पुनर्जीवित करने का काम इस सरकार ने नहीं किया। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, अगर आप दोहरा रुख अपनाएंगे, सौतेला व्यवहार अपनाएंगे, तो कहीं ना कहीं जनता आपको दंडित करने का काम करेगी। इलाहाबाद के साथ
कोल जाति को जनजाति का दर्जा देने की बात मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की सरकार ने कही थी, उसका प्रस्ताव भेजा था, लेकिन आपकी सरकार ने कोलों को जनजाति दर्जा देने की बात नहीं की। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, 17 जातियों को जनजाति का दर्जा देने की बात उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पास करके भेजा था अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह यादव जी की सरकारों ने, लेकिन इस सरकार ने 17 जातियों को जनजाति का दर्जा नहीं दिया। इसलिए मैं आप लोगों से बस अंत में एक बात कह के जो है, नज़ीर अकबरबादी का एक शेर कि कुर्सी बचाओ सरकार को मैं चेतावनी देना चाहता हूँ और अपनी बात को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। अकबर नज़ीराबादी का शेर है जो आपके बीच मैं रख रहा हूँ। क्या मसनत तकिया मुल्क मकान, क्या चौकी कुर्सी तख्त छत्तर, सब ठाट पाट बड़ा पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। इसलिए मैं साथियों, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा, इस सरकार को जो किसान विरोधी बजट है, नौजवान विरोधी बजट है, महिला विरोधी बजट है, जो शोषित और वंचित वर्ग के खिलाफ ये बजट है, इसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं। जातिगत जनगणना की बात करते हैं, देश में जनगणना की बात करते नरेश हैं महास्की। और इसके साथ आपका आभार अधिष्ठाता महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत